लेकिन 1,005 करोड़ केवल हमारे कानों में सुनने को आया। राजा कहे जा रहे हैं, राजा का टीका पाए, लोकसभा में गए, क्या राजा हो गए? कभी दर्शन न दे गोरखनाथ ने, कभी दिया कि लल्लू ने दिया कि अवधेश ने दिया? हजारों की भीड़ गई, अच्छा, लेकिन योगी का दर्शन नहीं कर पाए हम, ऐसी भीड़ जुटाने से क्या फायदा है? राजा था, हाँ। राजा दशरथ से अयोध्या के राजा, और अवधेश कौन है? चंद्रभान को टिकट मिलेगा पास हो, यहाँ जीतेगा, नहीं तो हारेगा। अच्छा, हाँ, ये बात। वो जो अपनी जान बाल लेकर भागता है ना, अखिलेश ने जान लेकर भागता है, वो तो मुसलमान यादव को बोलता हमारा ये है। किसकी किसका सपोर्ट दे रहे हैं? अरे हम तो वाजपेयी है यार, भाजपा को सपोर्ट दे रहे हैं। हजारों की संविधान खत्म करता है वो आदमी समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर में खड़े हैं। मिल्कीपुर में आज योगी आदित्यनाथ आए थे, हजारों की रैली थी, और इस रैली में किसका होगा परला भारी और बीजेपी से 30 उम्मीदवार खड़े हैं, क्या बीजेपी से 30 उम्मीदवार में से किसको मिलेगा टिकट जो 1,005 करोड़ है ना, 1,005 करोड़ मिल्कीपुर में दिया गया है, जो योगी आदित्यनाथ ने दिया है, और 1,005 करोड़ किसको लाभ मिलने वाला है, किसको लाभ नहीं मिलने वाला है, कहां पर 1,005 करोड़ रुपया लगेगा, आइए हम लोगों से पूछते हैं, और जनता क्या जवाब देती है और क्या राय देने वाली है जनता, आइए हम पूछते हैं क्या 1,005 करोड़ जो आज योगी आदित्यनाथ देकर चले गए हैं क्या मिल्कीपुर में भी लगेगा? क्या करेंगे 1,005 करोड़ रुपया क्या होगा उसका? देखिए मैं असले भाजपा ही हूँ जी, हाँ, और चिराग पर पिता मोहर लगाते रहे, कमल पर हम लगाते रहेंगे, हाँ। लेकिन 1,005 करोड़ केवल हमारे कानों में सुनने को आया, हाँ। और वो क्या होगा, कैसे होगा, जानवरों से बचत कैसे होगी, इसके लिए क्या किया गया है, क्या उद्देश्य, क्या बोल के गए हो? अवधेश ने कसम खाया था मंदिर सिद्धनाथ पर कि अगर हमें मुहर दोगे तो सौगंध खाता हूँ, कि क्या रोड पर चोट खाए टहल रहे हैं, हम खेतों में टार्च लिए दौड़ रहे हैं, तो हम लोग करें तो क्या करें, असली भाजपाई हैं, और भाजपा जिंदाबाद, कमल फूल जिंदाबाद। अवधेश प्रसाद राम का नाम नहीं लेते हैं क्या? अवधेश प्रसाद राम, भगवान राम मिल्कीपुर में भी जिता देंगे? अब जिताने के लिए जनता पागल है, मूर्ख है, वो तो राजा कहे जा रहे हैं, राजा का टीका पाए, लोकसभा में गए, क्या राजा हो गए? राजा राजा होता है, ऐसे बकवास करने से फायदा क्या है जो जनता के हित में ना आवे, कभी दर्शन ना दे गोरखनाथ ने, कभी दिया कि लल्लू ने दिया कि अवधेश ने दिया? टिकट उसको दीजिए जो जनता का भला करे, मेरा यही कहना है। अयोध्या में बीजेपी, अयोध्या में सपा पार्टी जीत गई है, अवधेश प्रसाद जीत गए हैं, अब अवधेश प्रसाद का लड़का अजीत प्रसाद खड़ा हो गए हैं मिल्कीपुर में, उसको हम पहचानते नहीं भाई। अच्छा, हाँ, तो उम्मीदवार तो यहाँ बना दिया गया है मिल्कीपुर, उम्मीदवार बनाए, जनता मोहर लगाएगी। अच्छा, हाँ, जिसकी जो चाह है, अच्छा, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। अच्छा, सारे जनता के मत तो हम हो नहीं जाएंगे। अच्छा, हमारा एक मत भाजपा का है जी, हाँ। हजारों की भीड़ थी आज मिल्कीपुर में, हजारों की भीड़ गई, अच्छा, लेकिन योगी का दर्शन नहीं कर पाए हम, ऐसी भीड़ जुटाने से क्या फायदा है? घर घर नेता को जाना चाहिए, आभार देना चाहिए, गांव गांव में, अच्छा, एक जगह बटोर दो लाखों करोड़ों, तो उसमें बुजुर्ग होकर के हम लटियाए जाए, ऐसी भीड़ से क्या मतलब है? हाँ, ऐसे भीड़ से क्या मतलब जब अयोध्या में अयोध्या वासी वाले बीजेपी का साथ नहीं देते, जो अयोध्या में राम मंदिर बन गया, एयरपोर्ट बन गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास हो गए हैं, ये फिर भी अयोध्या में हार गई है, क्यों हार गई है? तो ये भीड़ से जनता जनता सुधरेगी, जनता सुधरेगी, ये भीड़ से जनता सुधरे, बीजेपी आपकी ले जाएगी मिलके पहुंचे। अच्छा, हाँ, अवधेश प्रसाद कह रहे हैं जो अयोध्या में हम कर देंगे वही मिल्कीपुर में करेंगे, अयोध्या में कर देंगे तो हमारे लिए क्या होगा? नहीं, वो क्या किया अयोध्या में? अयोध्या में क्या किया है? अच्छा, कुछ किया है अयोध्या में? अवधेश ने क्या किया? अवधेश झूठा आदमी है,
अच्छा सदन में अखिलेश यादव चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद, उससे कहने दो ना राजा हो तो क्या क्या भगवान के राम से ऊपर अवधेश प्रसाद। अरे राजा जो था कौन था पहले बताओ आपको। अच्छा अवधेश राजा था। राजा दशरथ थे अयोध्या के। राजा अवधेश कौन है रहेगा सवाल ही। चलो कुछ उनका लल्लू सिंह का करार मात था इसलिए हार गए। अच्छा। बाकी हारते नहीं यहाँ से वो, और बीजेपी जीते यहाँ से। यहाँ से बीजेपी जीते। हाँ आप इसके मतलब कि किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा? 30 उम्मीदवार खड़े हैं बीजेपी से। चंद्रभान करने पासवान बनाएंगे तो बीजेपी यहाँ निकालेगी। हाँ। और गोरखनाथ बाबा देंगे तो हार जाएंगे। गोरखनाथ बाबा बहुत लोग चाहने वाले हैं। गोरखनाथ बाबा बहुत लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया। समय बताएगा करूँ अच्छा किया बुरा किया ना। अच्छा हाँ जब टिकट मालूम पड़ेगा मोहर पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा ऐसा किया कैसा नहीं किया। चंद्रभान को टिकट मिलेगा तो पास हो यहाँ जीतेगा नहीं तो हारेगा। अच्छा हाँ ये बात है। ये बात है। अवधेश प्रसाद यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। क्या अवधेश प्रसाद क्या नहीं किए हैं? तीन क्षेत्र कितने आए बावन ठाकुर ऊपर लगवा दिया अवधेश ने। अच्छा तो ये बात है। तीन सौ क्षेत्र कितने बावन ठाकुर ऊपर लगवाया है? अच्छा बेकसूर आदमी फंसाए गए हैं। अवधेश चिल्लाते अवधेश कौन राजा है यहाँ का? अवधेश राजा दशरथ राजा से अयोध्या के अवधेश राजा है। अखिलेश राजा है क्या यहाँ का? अच्छा जब रेप होती है तो अखिलेश यादव कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। और जब अखिलेश कहो जमाना था यहाँ पर। अच्छा। तो उस समय यादव लोगों की वैकेंसियाँ थी पुलिस में और जाकर क्यों नहीं भर्ती की गई? ये बात है। क्यों नहीं किए गए बताओ? यादव सब भर्ती देखो पुलिस की। बाबन ठाकुर कहीं हैं और जाते हैं। अच्छा वो तो अपनी जान बाल लेकर भागता है ना। अखिलेश ने अपनी जान लेकर भागता है तो मुसलमान यादव को बोलता हमारा ये है। अच्छा आपका नाम क्या है? हमारा नाम रामदेव तिवारी है। तिवारी जी। हाँ। तो तिवारी जी क्या कहेंगे यहाँ के चुनाव का मामला कैसे बनेगा कि सपा पार्टी ले जाएगी कि बीजेपी पार्टी ले जाएगी और दोनों का टक्कर बराबर है? अगर चंद्रभान को टिकट मिला पासवान को तो बीजेपी यहाँ जीतेगी नहीं तो रामजन जीतेगा। अच्छा हाँ। अगर चंद्रभान को नहीं मिलेगा तो बीजेपी हार जाएगी नहीं तो फिर अजीत प्रसाद यादव मार ले जाएंगे। अजीत प्रसाद रावत। रावत जी वो तो नहीं मार पाएंगे हो सकता तीसरा कोई मार ले जाए। अच्छा हाँ अरे दोनों सीटें के आदमी थोड़े मिलेगा बाप संसद बटवा विधायक बन जाए यहाँ का। अच्छा ये क्या है? ये बात है। तो आइए पूछते हैं चाचा ये बताइए दुकानदार है यहाँ पर छोटी सी दुकान है थोड़ा आगे आइए ये बताइए किसकी किसका सपोर्ट दे रहे हैं? अरे हम तो भाजपाई है यार भाजपा को सपोर्ट दे रहे हैं। हजारों की संख्या आज भीड़ थी क्या रैली में आप गए थे? नहीं हम नहीं गए थे। अच्छा तो क्या है बीजेपी में जो बीजेपी का काफी ज्यादा माहौल बनाता चला जा रहा है? माहौल सब ठीक ठाक है। अच्छा लेकिन जनता जो जिससे परेशान है उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा हाँ तो सपोर्ट किसको दे रहे हैं किसकी उम्मीदवार बनना चाहिए? सपोर्ट तो हम उसे भाजपा का दे रहे हैं लेकिन बात यह है कि हकीकत जो है उसका कोई नहीं कर रहा है। ये बात है। हाँ हम रात दिन शान के लिए मर रहे हैं खेती हमारी नहीं हो पा रही है किसको वोट दें बताइए आप? अच्छा किसको दें? तो मतलब कि आप सार तो योगी जी छुड़वाए हैं। योगी नहीं छुड़ाए तो हम ही हैं। हाँ बात ये योगी नहीं छुड़ाए उसके लिए गौशाला बनवाया गया है। हाँ लेकिन वहाँ जा तो नहीं रहा है। क्यों नहीं जाके वहाँ इसका मतलब अब यहाँ के अधिकारी नहीं ले जा रहे हम क्या करें? अच्छा ये बात है। और क्या हम क्या करें? मतलब कि योगी आदित्यनाथ काफी गौशाला बनवाए हैं वहाँ पर सार नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है उनके अधिकारी नहीं भेज रहे हैं हम क्या करें? ये बात है। हाँ यहाँ पर किसको उम्मीदवार देखना चाहते हैं बीजेपी से? अब तो भाई इसके बारे में हम नहीं कुछ कहते थे जो अच्छा काम करेगा वही जीते। यहाँ का विकास अवधेश प्रसाद का विकास यहाँ पर जब थे विधायक कैसे कर रहा कैसे कर रहा है? हमने अवधेश को देखा नहीं है अभी तक। कौन विकास किया बताओ? अच्छा हमने देखा नहीं है। कौन विकास किया? नहीं अवधेश मुझे बताओ कहीं विकास हुआ हो क्यों पंडित जी भाई विकास कहीं किया है? पंडित जी पंडित जी आज चाची ये बताइए यहाँ का कार्यकाल कैसे रहा? हम नहीं जाने नहीं बताओ चाचा ये बताइए आप और कुछ लोग से पूछते हैं चाचा ये बताइए यहाँ का विकास कैसा है? अवधेश प्रसाद ढाई तीन साल रहे एकदम नहीं करूँ विकास फिर उसके बाद अयोध्या में सांसद बन चुके हैं। सांसद बन गया केवल जून बात जिसे कहा अंधेर का बटिया लाग गया जून बात ठीक है। अच्छा लाग गया जून बात ठीक है। उन्होंने आदमी समझ में आएगा कहना आरक्षण खत्म करना है संविधान खत्म करना है वो आदमी समझ में आएगा दी चिता दी ठीक है बाकी कोनो विकास नहीं कहूँ दिखाऊँ विकास कहूँ कोनो विकास नहीं। अच्छा हाँ कौन विकास यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ वह आरक्षण और संविधान वह उड़ा दिन। अच्छा और उनके संबंध में सब क्या आएगा वोट उनका देती जीत गए बस इतना मतलब ठीक है। तो मिल्कीपुर में किसको उम्मीदवार देखना चाहते हैं बीजेपी से? 30 उम्मीदवार है बीजेपी कुल मिला के बीजेपी के बीजेपी देवे बात खत्म बस चाहे जो खड़ा हो। हाँ चाहे जो खड़ा हो क्यों खड़ा हो जाए आज हजारों की संख्या भीड़ थी तमाम रैली में हाँ जीते हैं सब नहीं चाहे बीजेपी हाँ बीजेपी
सीधा मतलब। इसके पहले अवधेश प्रसाद के कार्यकाल में उसके पहले गोरखनाथ बाबा थे। बढ़िया थे, ऐसा विधायक कहूँ है ही नहीं ना। अच्छा, बाबा ऐसे विधायक कहिए नहीं। गोरखनाथ बाबा बहुत सरल विधायक, बहुत बढ़िया विधायक। अच्छा, गोरखनाथ बाबा हाँ बहुत सरल विधायक, बहुत बढ़िया विधायक है। अच्छा हाँ, उनका सपोर्ट करेंगे, जीतेंगे। उनका कार्यकाल अच्छा रहा? हाँ, कार्यकाल बहुत अच्छे विधायक, ऐसा विधायक है ही नहीं गई। अच्छा, यहाँ के कुछ लोग कहते हैं यहाँ का जो अवधेश प्रसाद है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम किए हैं। कौनों काम कहाँ है, कौन काम किए हैं बताओ? पब्लिक कहते हैं कहा दू, पब्लिक है, पब्लिक कहा दू। अच्छा, पब्लिक कहा दू, पब्लिक जो कहा जो बैठे, ठीक है ये बात। और क्या सच है? बैठो बैठो, ये बताइए। हेलो, जिसका कोर्ट उसका है, सरकार जो चाहे कोर्ट करेगी। ये भगवा है, किसको जिता रहे हैं? जका कहो कपड़ा पर है, हम सब बहुत जितावे ना, जका होए बता, होए वही जीत। हां, रैली थी, साफ बताओ यार, रैली थी योगी जी की? हां हां, यही बगल रैली थी। हां, हजारों की संख्या थी। हां, किसको जिता रहे हैं? हम तो उधर योगी की जीतोगे। रैलियों में गए थे आप? हां। अच्छा, हां तो रैलियों में कुछ योगी जी ने कुछ कहा है? जो उन कहा था वो सुने। अच्छा, हां 1005 करोड़। हां, यहां मिल्कीपुर में सौगात देके चले गए। हां, क्या यह सौगात मिल्कीपुर में पूरे लगेगा जीतने के बाद? देखा कहा पता लागत लग भी सकता है, ऐसा थोड़े मिल्कीपुर हो रहा है, लग सकता है, सब जगह लग सकता है। अच्छा, अयोध्या तो चमक रही है, क्या मिल्कीपुर भी चमकेगा जीतने के बाद योगी के बाद? अब विचार तो है, चमक कर देखो, वही तो। अच्छा, हाँ वही तो। इस तरह आप देख सकते हैं मिल्कीपुर में चुनाव भी होने वाले हैं, माहौल काफी ज्यादा गर्म होता चला जा रहा है। आज मिल्कीपुर में योगी जी आए थे, हजारों की संख्या भीड़ थी, और योगी आदित्यनाथ 1005 करोड़ रुपया का यहाँ का सौगात देकर चले गए। क्या ये सौगात को दिखा कर मिल्कीपुर में विजयी बना सकते हैं बीजेपी से? मिल्कीपुर, अयोध्या मिल्कीपुर से जय हिंद।